हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा हिस्ट्री रिवीजन का 5वां दिन है। 5वें दिन हम लोग वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करेंगे, पोस्ट वैदिक एज। इस उत्तर वैदिक काल के बारे में जो मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, उन साहित्यों के हिसाब से उत्तर वैदिक काल की क्या क्या मुख्य विशेषताएँ रहीं, इस पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल था हमारा, पोस्ट वैदिक एज, 1500 से अरे सॉरी 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 BC। तो ये जो उत्तर वैदिक काल हमारे भारत का है, उत्तर वैदिक काल वैदिक काल के ठीक बाद में आता है। वैदिक काल में आपको बताया था कि दो हिस्सों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ऋग्वेद एंड पोस्ट वैदिक। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसके भी इतिहास के स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में हमें पूरी तरीके से साहित्यिक साक्ष्यों, जो लिटरेचर है, उसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर उत्तर वैदिक काल का हमें अगर इतिहास देखना होता है तो सबसे पहले हमें जो उत्तर वैदिक के जो साहित्य हैं वो सारे वैदिक साहित्यों के हमें अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक जो उत्तर वैदिक साहित्य था उसके बारे में एक हल्का सा आपको परिचय देते हैं। तो जो साहित्य है, साहित्य में अनेक प्रकार के साहित्य मिलते हैं, जिसमें जो चार वेद हैं, चार वेदों में ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्वेद है। ठीक, ऋग्वेद में कुल माना जाता है कि 1028 सूक्तियाँ, 1028 टाइम्स, और ऋग्वेद के जो अध्येता थे यानी इसके जो जो अध्ययन अध्यापन करने वाले थे उनको होत्र कहा जाता था। और ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, यानी ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है उसको आयुर्वेद बोला जाता है। और ऋग्वेद के अनेक ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक, फिर उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद में सूक्तियों की अनेक संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं मिलती हैं, उनकी कोई फिक्स अभी काउंटिंग नहीं है। इसके जो अध्येता होते हैं यानी इसका जो वाचन करने वाले होते हैं उनको ऊर्ध्वर्यु कहा जाता है। और इस यजुर्वेद का जो उपवेद है ये धनुर्वेद है, और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद हमारा सामवेद है, सामवेद में कुल 1810 सूक्तियाँ हैं। इसका ये जो वाचन करने वाले होते हैं उनको अध्येता को उद्गाता कहा जाता है, और इसका जो उपवेद है उसको गंधर्ववेद कहते हैं, और जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट का है अथर्ववेद, ये सबसे बड़ा है, इसमें 6000 सूक्तियाँ हैं। इसके जो अध्येता थे यानी इसका जो वाचन करने वाले थे उनको ब्रह्म कहा जाता था, और इसी का एक उपवेद है जिसको शिल्पवेद कहते हैं। और शिल्पवेद और जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपद ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हल्का सा आप इस खाका को आप तैयार कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ताकि वैदिक साहित्यों के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। ठीक, चलिए अब इसमें और भी विस्तार से हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं कि जैसे ऋग्वेद के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, आज बाकी वेदों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। यजुर्वेद, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यजुर का मतलब क्या होता है, यज्ञ होता है। तो इसमें यज्ञ या बलि संबंधी जितने भी जो सूक्तियाँ दी गई हैं वो सारी बातें हमारे किसमें बताए गए हैं, यजुर्वेद में। और इस यजुर्वेद की एक और विशेषता है कि जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री, जैसे जनरली जो वेद हैं वो पद्य में लिखे गए हैं, लेकिन यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य यानी प्रोज एंड पोएट्री दोनों ही शैली में लिखा गया है। इसी यजुर्वेद में बड़े बताए गए बड़े बड़े जो यज्ञ है, और यज्ञों में जो बड़ी बड़ी बलि दी जाती थी, ढेर सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, सारी चीज़ों की व्याख्या यजुर्वेद में की गई है। इसी यजुर्वेद में सबसे पहले राजसु यज्ञ, जो राजा लोग राजा बनते समय करते थे, उस राजसु यज्ञ का भी वर्णन सबसे पहले कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। इसी यजुर्वेद में हाथियों के पालन पोषण के बारे में, कि हाथियों को कैसे पाला जाता है उसके बारे में भी सूचना हमें यजुर्वेद से मिलती है। ठीक, इसके बाद हमारा सामवेद है। तो जो सामवेद है, तो सामवेद हमारे भारतीय जो संगीत है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और इस सामवेद से ही जो सात सुर हम लोग देखते हैं, सारे गामा पा, ये सब सामवेद से ही इसका उद्भव माना जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सामवेद है। तो इसी को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक, और सामवेद के जो गीत है, जामेद के जो मंत्र हैं वो सूर्य को समर्पित किए गए। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट हम लोग का है अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है, इस अथर्ववेद में जो सबसे बात का है, तो इसमें जो इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद ये काफ़ी सबसे बात का है, और इसी में जादू टोटा तंत्र मंत्र वशीकरण मंत्र, तो ये सारे जादू टोना तंत्र मंत्र वाला जो
वेद है, इसको अथर्ववेद कहा जाता है। इसी को, क्योंकि इसके जो अध्येता थे ये ब्रह्म थे, तो इसलिए इसको अथर्ववेद को कहीं कहीं ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक, तो ये वेद हमारे बिल्कुल शुरुआती साहित्य हैं। इनमें से जो प्रारंभिक तीन है, यानी ये तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं को कहा जाता है वेद त्रयी। तो जो वेद त्रयी में आते हैं, तो वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं? तीन वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ध्यान रखेंगे अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं होता। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो हमारे वेद थे, इसी वेदों के ऊपर उपवेदों का विकास हुआ है। तो वेद एक परिशिष्ट के रूप में लिखे गए हैं वेदों के जस्ट बाद, और उसी वेदों पर जो टीका टिप्पणी लिखी गई है उन्हीं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बाद के लिखे गए हैं, यानी जो ये चारों वेद लिखे गए और इसके बाद के क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ यही विधि विधान और थोड़ा और जो नियम कानून है उसको थोड़ा और जटिल बनाया गया है। इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के बाद फिर विकसित होते हैं उपनिषद। तो जो उपनिषदों की व्याख्या हुई, क्योंकि इन वैदिक ग्रंथों में जो वेद से शुरू हुए और ब्राह्मण तक पहुँचे, तो इसमें धर्म की बहुत जटिल व्याख्या की गई थी और बहुत सारे कर्मकांड थे। बड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख किया गया था, बलि का उल्लेख किया जाता था। तो उस यज्ञ और कर्मकांड और बलि और जो बड़े बड़े जो आहुतियाँ दी जाती थी, तो वो चीज़ें कर्मकांडों को, जो ब्राह्मणिकल कर्मकांड थे उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो उसी को दार्शनिक रूप में फिर व्याख्या करने का प्रयास किया गया और इन्हीं के बाद फिर विकसित होते हैं भारत में उपनिषद। तो उपनिषदों की अगर बात करें, तो जो उपनिषद हैं, उप का मतलब होता है समीप। जैसे जो उपनिषद होते हैं उपनिषद, तो जो उपनिषदों का जो विकास हुआ, तो उपनिषदों का विकास इसी के बाद हुआ, क्योंकि इसमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उपनिषद, उप मतलब जो है कि समीप, और निषद मतलब, अरे उप मतलब बैठना, निषद मतलब समीप, यानी समीप बैठना। तो जब गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हो, तो उसी ज्ञान को क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। और इन उपनिषदों की संख्या हमारे वैदिक साहित्य में माना गया है 108। ये जो उपनिषद हैं, ये पूरी तरीके से दार्शनिक ग्रंथ है। दार्शनिक ग्रंथ है कि मतलब इसमें केवल दर्शन की बात की गई है। तो जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है, तो भारतीय दर्शन का शुरू किसको कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया। और इनकी संख्या कितनी है? 108। ये पूरी तरीके से फिलोसॉफिकल, केवल दार्शनिक बातें करते हैं, ये कर्मकांड, विधि विधान, इन सारी चीज़ों की व्याख्या नहीं करते। कई सारे बड़े बड़े उपनिषद हैं जिससे हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद है। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये हमारे भारतीय साहित्य में जो अश्वमेध यज्ञ मिलता है, उसी अश्वमेध यज्ञ के बारे में व्याख्या करता है बृहदारण्यक उपनिषद। कठ उपनिषद है, तो कठ उपनिषद में यम और नचिकेता का एक संवाद मिलता है कि यम ने नचिकेता को जीवन के बारे में और मृत्यु के बारे में किस तरीके से ज्ञान दिया, उसी को यम नचिकेता संवाद कहा जाता है, वो कठोपनिषद में। इसी में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है वो माना जाता है कि जो इसमें जो भारतीय जो अशोक स्तंभ के नीचे जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक, अब इसके अलावा इन जो वैदिक साहित्य हैं, तो इन वैदिक साहित्यों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, तो इसी को 6 भागों में बांटा गया है। तो जो 6 भागों में वैदिक साहित्यों को बांटा गया है, तो उसी को कहा जाता है वेदांग। तो जो वेदांग हैं क्या है? वैदिक साहित्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो उसी 6 भागों में जो वैदिक साहित्यों को बांटा गया है, उसी को वेदांग कहा गया। तो इस वेदांग को एक मानव शरीर के अंगों के रूप में भी इसकी कल्पना की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक मानव का हम ये स्वरूप बनाते हैं, ये इसके मानव के नेत्र हैं, ये इसकी नासिका है, ये इसका मुख है, ठीक है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं। ठीक, तो इसमें जो 6 भाग बनाए गए, तो इसमें जो मानव का जो पैर है, तो उस पैर में छंदों को दिखाया गया है। यानी पैर से किसका आशय लिया गया है? ये वेदों के क्या हैं? छंद, वेदों के पैर हैं। यानी जो छंद होते हैं वो वैदिक साहित्य के क्या माने जाते हैं? पैर माने जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो हाथ है, हाथ को कहा जाता है कल्प। तो जो कल्प हैं ये वैदिक साहित्य में क्या माने जाते हैं? हाथ माने जाते हैं। फिर इसके बाद जो मुख है, तो मुख से व्याकरण की कल्पना की गई है। तो वैदिक साहित्यों का मुख, अगर पूछा जाए कि वैदिक साहित्यों का मुख किसको कहा जाता है, तो वैदिक साहित्यों का मुख क्या है? व्याकरण। ठीक, वैदिक साहित्यों के जो कान के रूप में लिया गया है, उसमें निरुक्त को लिया गया है।
तो निरुक्त क्या है, तो निरुक्त है वैदिक साहित्यों के कान। इसके बाद जो नेत्र हैं, नेत्रों को ज्योतिष के रूप में लिया गया, तो जो ज्योतिष है वो वैदिक साहित्यों के क्या माने जाते हैं, नेत्र माने जाते हैं। इसके अलावा जो नासिका है ये शिक्षा, यानी शिक्षा क्या है, ये वैदिक साहित्यों की नासिका यानी नाक मानी जाती है। ठीक, फिर से आपको बता दें, वैदिक साहित्य यानी जो का विभाजन किया गया है, वेदों को अंगों में विभाजित किया गया है, कुल इतने अंग बनाए गए हैं, 6 अंग बनाए गए हैं, जिसमें जो नेत्र हैं यानी वैदिक साहित्यों का, अगर नेत्र किसको कहा गया है, ज्योतिष, वैदिक साहित्यों का कान जो है उसको निरुक्त कहा गया है, वैदिक साहित्यों की जो नासिका है उसको शिक्षा कहा गया, वैदिक साहित्य का जो मुख है उसको व्याकरण कहा गया, वैदिक साहित्य के जो हाथ होते हैं वो कल्प के रूप में उनकी कल्पना की गई है, और जो पैर हैं उनकी कल्पना छंद के रूप में की गई है। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है वेदांग। तो ये सारे हमारे वैदिक साहित्यों का विवरण मिलता है। ये वैदिक साहित्य बहुत ही जटिल में लिखे गए हैं, और इसमें दर्शन और जो जो ईश्वर की प्राप्ति और आत्मा और परमात्मा की जो बातें हैं वो चीज़ें अब बढ़ती चली गई थी, यानी वेद, वेद के बाद फिर उपनिषद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के बाद फिर उपनिषदों के बाद फिर सबसे लास्ट में जो विकसित होते हैं वो अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है कि जो वन, अरण्य का मतलब जंगल होता है, तो वनों में जाके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको अरण्यक कहा गया। उपनिषद गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको उपनिषद कहा गया, और अरण्यक सबसे बाद में विकसित हुए जो ज्ञान। तो इस अरण्यक, उपनिषद और अरण्यकों के कारण हमारे जो साहित्य में जो दर्शन था वैदिक साहित्य का वो बहुत ऊपर चला गया, और ऊपर जाने की वजह से आम जनता से इसकी दूरी बनने लगी थी। तो यही जो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक काल हमारा जो होता है, तो इसमें साहित्य में धर्म और दर्शन इतना हाई लेवल का पहुंच चुका था, इतनी जटिलताएं आ चुकी थीं, इतने जो देवी देवता और जो दर्शन के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती थीं, यज्ञ बड़े बड़े होते थे, विधि विधान, कर्म कांड, बलि इतनी भयानक, इतने बड़े पैमाने पर दी जाती थी, कि वो चीज़ें केवल बड़े बड़े जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स, विद्वान हैं, या राजा महाराजा या अमीर वर्ग है, उनके लिए संभव था। आम जनता जो थी, आम जो जो जनजीवन था या जो व्यापारी वर्ग था, वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि उनसे अब धर्म की दूरी बढ़ती जा रही थी। धर्म का जो स्तर था, जो लेवल था, जो दर्शन का लेवल था, वो ऊपर उठता चला जा रहा था, और हर एक व्यक्ति का लेवल उतना हाई लेवल नहीं होता कि उस तक जाके सारी चीज़ों को समझ पाए। तो इसीलिए ये जब चीज़ें इतनी जटिल हुई, ये सारी चीज़ें बहुत जटिल हुई, तो जब 600 ईसा पूर्व तक ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जटिल हो गई, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कि आम जीवन से बिल्कुल बाहर चली गई, रेंज से, आम आदमी की रेंज से ही बाहर चली गई। तो इसी के बाद भारत में बौद्धिक जो क्रांति हुई, एक धार्मिक क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म और बहुत सारे जो विचारधाराएँ थे, जो बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उन लोगों का उद्भव हुआ। तो वो जो 600 ईसा पूर्व की हम लोग धार्मिक क्रांति देखते हैं, जिसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध और आजीवक संप्रदाय और नए नए जो विचारधाराएं आती हैं, उनके जो विचारधाराओं के, नए नए विचारधाराओं और नए धर्मों के उदय का जो कारण था, वो इसी वैदिक साहित्यों की जटिलता थी, कॉम्प्लिकेशन था। ये चीज़ें इतनी जटिल हो चुकी थी कि अब आवश्यकता थी कि अब कोई आवे और सारी चीज़ों को बिल्कुल साधारण कर दे और सामान्य भाषा में लोगों को समझा सके। जैसे हम जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उनकी शिक्षाएं बिल्कुल सामान्य थी, सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई थी। वो लोग कर्मकांडों का विरोध करते थे, वो लोग बलि का विरोध करते थे, वो लोग दान दक्षिणा, जो बड़े बड़े ये तामझाम हमारे यज्ञ में होता था, उसका बिल्कुल विरोध करते थे, और धर्म को बिल्कुल सिंपल किया और आम जनता तक पहुँचा दिया। तो उन नवीन धर्मों की जो सफलता थी, उनकी सफलता में हमारे इस जो प्राचीन जो वैदिक साहित्य थे, वैदिक ग्रंथ थे, इसमें धर्म और दर्शन की जटिलता, जटिलता कह लीजिए, बहुत अधिक जटिलता ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और उनके लिए एक तरीके से कहा जाए कि प्लेटफॉर्म, इन्हीं साहित्यों की जटिलता ने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। ठीक, चलिए, ये तो था हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। अब इसी वैदिक साहित्य के जटिल होने के साथ साथ हमें दिखाई देता है कि हमारा जो उत्तर वैदिक समाज था वो भी धीरे धीरे करके जटिल हो रहा था। जटिल होने का मतलब है कि जैसे कि हमारे समाज में धीरे धीरे करके अब जो व्यवस्थाएं थीं वो बढ़ रही थी, कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास यानी उत्तर वैदिक काल में भारत में लोहे का इस्तेमाल प्रमुखता से होने लगा, और लोहे के उपकरण बनने लगे, लोहे के इंस्ट्रूमेंट बनने लगे। जब लोहे के उपकरण यानी लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स बने, तो उन्हीं लोहे के उपकरणों से खेतों का जो कुल्हाड़ियाँ बनी, कुल्हाड़ियों से मैदान साफ़ हुए, जंगल काटना आसान हुआ, पेड़ों का काटना आसान हुआ, तो बड़े बड़े मैदान साफ़ हुए। फिर हल बने, हल लोहे के हल बनने शुरू हुए, तो उससे जुताई शुरू हुई। जब जुताई शुरू हुई तो खेती बाड़ी शुरू हुई,
तो जो लोगों का जो पुष्पा जो घुमक्कड़ जीवन था वैदिक कार्यों का, वो अब उत्तर वैदिक काल में रुक गया। अब वो लोग एक जगह स्थायी होने लगे, और क्योंकि कृषि कार्य मूवमेंट में रह के किया नहीं जा सकता, तो अब लोग वो एक जगह रुकने लगे और इनका जीवन क्या होने लगा, स्टेबल होने लगा। तो जब जीवन इनका रुकने लगा, कृषि पर इनकी निर्भरता बढ़ने लगी, तब धीरे धीरे इनके जो कबीले थे उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, जनसंख्या धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, उनका आकार धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। जब उनका आकार बढ़ा, उनका जीवन स्थायी हुआ, व्यवस्था बनने लगी, जो राजन थे बड़े बड़े राजा होने लगे, एक राठ होने लगे, सम्राट होने लगे, तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनने लगी। तो इसकी वजह से जब जनसंख्या बढ़ी और जब कृषि पर इनकी निर्भरता बढ़ी और ये लोग अपना स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए, तो जीवन में भी तमाम तरीके की जटिलताएं आनी शुरू हो गई, कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई। जैसा कि हम लोग ऋग्वेदिक काल में देखे थे पिछले वीडियो में, कि वहाँ पर आपको बताया था कोई जाति व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था आ चुकी थी। वही ऋग्वेदिक काल की वर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो गई थी। जाति व्यवस्था में पहले चार जातियाँ बनी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसमें एक हायरार्की बनी। फिर नई नई जातियाँ उप जातियाँ बनी, जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह हुआ उससे नई नई जातियाँ और उप जातियाँ विकसित होनी शुरू हुई, यानी समाज जटिल होना शुरू हो चुका था। तो जब समाज जटिल होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो समाज को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए गए, उस समाज को रेगुलराइज किया गया। तो समाज को नियंत्रित करने के प्रयास में जो हमारे समाज हैं उसमें कई सारा बंटवारा किया गया, कई सारा विभाजन किया गया, और लोगों के जीवन को और निश्चित करने का प्रयास किया गया। इसमें आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ, पुरुषार्थ व्यवस्था का विकास हुआ, संस्कार का विकास हुआ, विवाहों के प्रकारों को परिभाषित किया गया। अब उसी में जैसे आश्रम व्यवस्था देखते हैं, तो जो आश्रम सिस्टम था, आश्रम व्यवस्था थी, तो इसमें क्या किया कि मानव के जीवन को चार भागों में बांटा गया और आयु के हिसाब से अलग अलग आश्रम में बांटे गए। तो सबसे पहला जो आश्रम माना गया वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम था, इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई थी, जो इसके लिए आयु सीमा रखी गई थी, ये थी 0 से 25 साल तक। तो 0 से 25 साल तक के बच्चे का जो आश्रम कौन सा होगा, वो आयु एज वो होगा 0 से 25 वर्ष तक, ठीक। इसके बाद दूसरा जो आश्रम था उसको कहा गया गृहस्थ आश्रम। तो जो गृहस्थ आश्रम था, इसके लिए आयु सीमा रखी गई 25 से 50 वर्ष, 25 to 50 ईयर्स गृहस्थ आश्रम। के बाद फिर रखा गया वानप्रस्थ आश्रम। तो जो वानप्रस्थ आश्रम था, इस वानप्रस्थ आश्रम में अवस्था रखी गई 50 से 75 साल। और फिर वानप्रस्थ आश्रम के बाद जो सबसे लास्ट था वो था संन्यास आश्रम। संन्यास, तो जो संन्यास आश्रम था वो 75 से 100 साल तक के लिए। तो ये जो चारों आश्रम बनाए गए, चारों आश्रमों का जो विभाजन बंटवारा किया गया, ब्रह्मचर्य आश्रम जो था, इसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो इसका ब्रह्मचर्य आश्रम का जो उद्देश्य होगा शिक्षा, यानी वो क्या प्राप्त करेगा, ज्ञान की प्राप्ति। अगर कहा जाए कि इस आश्रम के क्या क्या कार्य थे, फंक्शन या ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के का जो उद्देश्य क्या, ड्यूटी क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति, कि बालक जो है वो आश्रम में जाएगा और गुरु के समीप रहेगा और गुरु के समीप रह के ज्ञान की क्या करेगा, प्राप्ति करेगा, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति का आश्रम कौन सा था, ब्रह्मचर्य आश्रम था। फिर इसके बाद जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद 25 वर्ष की आयु में उसका विवाह होगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से उसका जो सांसारिक जीवन है वो सांसारिक जीवन प्रारंभ होगा, ठीक। फिर इसके बाद जो 50 से 75 का है, सांसारिक जीवन जब पूरा हो जाए, सारे कार्य पूरे हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, वन गमन करेगा, वन को चला जाएगा और वन गमन जाके ईश्वर की आराधना और ईश्वर की तपस्या में लीन होगा। और फिर सबसे लास्ट में संन्यास आश्रम होगा, और इस संन्यास आश्रम का जो लक्ष्य होगा वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपाय करना होगा, तप तपस्या करना होगा, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो यही चारों आश्रम के उद्देश्य थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें एक शिक्षा और ज्ञान की बातें कही गई, जिसमें ज्ञान अर्जन करेगा 0 से 25 साल तक का व्यक्ति। फिर जो गृहस्थ आश्रम, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ जो बालक होगा वो अपने जो पुराने ऋण होंगे उन ऋणों से उऋण होगा। ऋणों से उऋण होने का मतलब है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही 3 ऋण उसके ऊपर, जिसको कहा जाता है त्रिऋण उसके ऊपर रहते हैं, जिसमें ऋषि ऋण होता है। तो ऋषि ऋण में जो
जो जो दान दक्षिणा है वो दिया जाता है, उससे उऋण होने का प्रयास किया जाता है। पुत्र ऋण होता है कि जिसने हमें पैदा किया है, अब उस ऋण से उऋण होना है तो हमें भी एक संतान उत्पन्न यानी पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, तो उस पुत्र ऋण से हम उऋण होंगे। तो उसके बाद देव ऋण होता है, तो देव ऋण कर से उऋण होने के लिए यानी देव ऋण को चुकता करने के लिए उसे यज्ञ विधि विधान देवताओं की पूजा उपासना करनी होगी। तो जन्म के साथ ही माना गया कि बालक के ऊपर तीन ऋण रहते हैं, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण, इसी को त्रि ऋण कहा जाता है। तो इसी जीवन में यानी जब वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो उसी तीनों ऋणों से वो क्या होगा, उऋण, उऋण यानी उस कर्ज को वो चुकता करने का प्रयास करेगा, जो कर्ज वो लेके पैदा हुआ था उसे चुकता करेगा। ठीक, चलिए अब इसी के साथ ही हमारे यहाँ जो समाज की जटिलताएं थी उसी में एक और व्यवस्था विकसित हुई जिसको कहा गया पुरुषार्थ। तो जो पुरुषार्थ हैं तो पुरुषार्थों की जो संख्या थी वो थी चार मानेंगे, यानी पुरुषार्थ कितने थे, चार। तो इन चारों पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है जीवन का जो उसका लक्ष्य होगा, यानी हमारा पुरुषार्थ क्या है कि जो हमारा टारगेट है, यानी जीवन जो हमारा जन्म मिला है तो जन्म के साथ ही हमें कुछ लक्ष्य मिले, तो उन्हीं लक्ष्यों को हमें पूरा कैसे करना है, पुरुषार्थों से करना है। तो ये पुरुषार्थ कितने हैं, चार। तो इसमें सबसे पहला है धर्म, फिर अर्थ, धर्म अर्थ और इसी के साथ आता है काम, और फिर मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तो जिसमें जो पहला वाला हिस्सा है ब्रह्मचर्य आश्रम का जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है, धर्म है। जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम का अर्थ और काम होगा। जो वानप्रस्थ आश्रम है इसमें मोक्ष प्राप्ति के प्रयास, और जो संन्यास आश्रम होगा इसमें मोक्ष की प्राप्ति। तो चार हमारे क्या हैं, पुरुषार्थ हैं, कौन सा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इसमें धर्म का यानी ज्ञान की प्राप्ति और ऋषि मुनियों की सेवा करना, अर्थ का मतलब अर्थोपाय करना और अपने परिवार की आजीविका चलाना, काम, काम का जो उद्देश्य है, काम का उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना है ताकि पुत्र ऋण से हम ऋण हो सकें, यानी हमें जिसने जन्म दिया तो हमारे ऊपर एक ऋण है, उस ऋण को चुकता करने के लिए हमें किसी को जन्म देना पड़ेगा, तो उसी को काम कहा गया। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो वेद हैं उसमें काम को एक पुरुषार्थ माना गया। काम शारीरिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं था कि शारीरिक जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए काम होगा, काम किस लिए माना गया है, वो एक पुरुषार्थ माना गया है जो पुत्र ऋण से उऋण होने के लिए किया जाता है। और फिर मोक्ष है, मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जैसे इंसान जन्म लेता है अच्छे कर्म बुरे कर्म के हिसाब से फिर पुनर्जन्म होता है, तो अगर जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पानी है तो उसी जन्म चक्र मरण के चक्र से मुक्ति के प्रयास को क्या कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए तो ये जो व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था, इसी में पुरुषार्थ व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आई हमारे किस काल में, उत्तर वैदिक काल के बाद ही इन्हीं सारी चीज़ों का विवरण बढ़ता है। इन्हीं इसी काल में संस्कारों की व्याख्या भी की गई, जो हमारे बालक के जन्म के साथ ही संस्कारों, जन्म के पहले से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार होते हैं उनकी संख्या 16 होती है, यानी संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 संस्कार होते हैं। तो इन 16 संस्कारों में जो सबसे पहला संस्कार होता है वो गर्भाधान, यानी जब पुत्र माँ के पेट में आता है तभी से वो संस्कार शुरू हो जाते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान होता है, फिर बाद में फिर पुंसवन होता है, फिर सीमांतोन्नयन होता है, चूड़ाकर्म होता है, फिर धीरे धीरे करके अनेक सारे संस्कार होते हैं। और इसी में जो ये पहला संस्कार, कुछ जो मुख्य संस्कार है उनके बारे में आपको बता देते हैं विस्तार से। जो सबसे पहला संस्कार होता है उसको कहा जाता है गर्भाधान। ठीक, यानी जब बच्चा माँ के पेट में आता है। 11वें नंबर का जो संस्कार होता है, यानी 11वां हमारा जो संस्कार होता है उसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन यानी यज्ञोपयुक्त होता है, जिन्हें पहनाया जाता है। उपनयन संस्कार केवल बालकों के लिए था, लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं था। फिर 13वां संस्कार जो होता है उसको समावर्तन बोलते हैं। तो जो समावर्तन संस्कार होता है, तो समावर्तन का मतलब होता है जब शिक्षा दीक्षा मिल जाती है, शिक्षा प्राप्त पूरी हो जाती है, एजुकेशन पूरा हो जाता है, और जब वापस लौटते हैं तो अपना सारी पोथी और जो ज्ञान की चीज़ें हैं उसको नदी में प्रवाहित कर दिया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, यानी जिसको हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं कन्वोकेशन, जो होता है ना दीक्षांत समारोह, कि आपको डिग्री मिल गई है, अब सारी किताबें बेकार, अब एक पन्ने की जो डिग्री मिली है आपकी वही आपके जीवन में काम आएगी, अब उसी डिग्री के माध्यम से आपको जीवन यापन करना होगा। तो वही डिग्री मिलना यानी समावर्तन, यानी कि शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होगा। इसके बाद जो 14वें नंबर का संस्कार होता है, उस 14वें संस्कार को कहा जाता है विवाह। तो ध्यान रखें, अगर पूछा जाए विवाह कौन से नंबर का संस्कार है, 14, समावर्तन 13।
फिर विवाह के बाद जो 15वां संस्कार होता है वो 15वां संस्कार होता है वानप्रस्थ, यानी कि जब शादी हो गई तो उसके बाद अगला संस्कार कौन सा होगा, वानप्रस्थ होगा। और वानप्रस्थ के बाद जो 16वां होता है लास्ट संस्कार, उसको कहा जाता है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि यानी जो अंतिम संस्कार होता है, जो मृतक का जो अंतिम संस्कार होता है उसी को अंत्योष्टि बोलते हैं, फंडल जिसको बोला जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे विवाह से पहले 13 संस्कार है, विवाह के बाद केवल 2 ही संस्कार बचते हैं। यानी अगर विवाह हो गया आपका तो फिर केवल एक बचा काम 2 ही, एक वानप्रस्थ और फिर अंत्योष्टि। विवाह के पहले सारे संस्कार हैं ज़्यादातर। ठीक, चलिए तो ये तो थे संस्कार के, इसके अलावा विवाहों के प्रकारों का भी वर्णन किया गया। हमारे वैदिक साहित्य में जो विवाहों का वर्णन किया गया है वो 8 प्रकार के विवाह हैं, 8 टाइप्स। किसके विवाह, किसके प्रकार विवाह, यानी मैरिजेस, अगर कहा जाए टाइप्स ऑफ मैरिजेस, विवाह के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। जिसमें सबसे पहला जो विवाह है उसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। तो जो ब्रह्म विवाह होता है, जो ब्रह्म मैरिज होता है, ये जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते थे, जो विद्वान पुरुष होते थे, उसको दान दक्षिणा दे के व्यक्ति अपने पुत्री के विवाह करता था, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता था। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको कहा जाता है दैव विवाह। तो जो दैव विवाह होता था, इस दैव विवाह में क्या होता था कि जो पुरोहित आता था घर में लोगों के, तो पुरोहित जो कर्मकांड कराता था तो उस पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप अपनी पुत्री प्रदान की जाती थी। तो पुरोहित को दक्षिणा स्वरूप अपनी पुत्री प्रदान करके उसी पुरोहित या विद्वान या ऋषि मुनि से अपनी पुत्री की शादी करने को क्या कहा जाता था, दैव विवाह। ठीक, इसके बाद जो तीसरा विवाह आता है उसको कहा जाता है आर्ष विवाह। तो जो आर्ष विवाह होता है तो इसमें क्या होता है कि जो वर का पिता, वर होता है, वो वधु के पिता को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय उपहार में देगा और उपहार में देके उसकी कन्या से विवाह करेगा। यानी लड़की वाले को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय लड़के वाले देंगे और उसके बदले में विवाह करेंगे, तो आर्ष विवाह कहा जाता है। आर्ष यानी बैल, तो एक जोड़ी बैलों के बदले में कन्या के पिता अपनी पुत्री की शादी वर से करेगा। ठीक, इसके बाद जो चौथा विवाह होता है उसको कहा जाता है प्रजापत्य। तो जो प्रजापत्य विवाह होता है, इस प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के कन्या का जो पिता होगा वो वर के पिता से बातचीत करेगा और लेन देन करके, मतलब लेन देन उसमें लोग नहीं करेंगे, कोई दहेज वहेज नहीं देता, बस बातचीत करके, जिसको अरेंज मैरिज हम लोग कहते हैं, तो अरेंज मैरिज वाला जो अगला विवाह है उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर 5वां जो श्रेणी आता है उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। तो जो गंधर्व विवाह होता है, तो इस गंधर्व विवाह में जो व्यवस्था दी गई कि बिना माता पिता की सहमति के वर वधु सीधे विवाह कर लें या घर से भाग के शादी कर लें, जिसको आजकल की भाषा में लव मैरिज कहते हैं या स्वयंवर आप कह सकते हैं, तो इसमें माँ बाप की मंजूरी नहीं होगी, स्वयं से प्रेम विवाह एक तरीके से कहा जाता है। फिर जो 6ठा प्रकार होता है विवाह का, उसको कहा जाता है असुर विवाह। तो असुर विवाह का मतलब होता है कि जो वर होगा यानी जो दूल्हा होगा वो लड़की को खरीद के उसकी शादी करेगा, यानी कन्या को क्रय करके उससे विवाह करना, उस विवाह को क्या बोलते हैं, असुर विवाह, यानी खरीद के जो शादी करते हैं। इसके बाद जो 7वां टाइप आता है उसको राक्षस विवाह कहा जाता है, राक्षस। तो जो राक्षस विवाह होता है, इस राक्षस विवाह में कन्या का बलपूर्वक यानी जबरदस्ती उठा के, जैसे भीष्म ने जबरदस्ती शादी की थी, तो बलपूर्वक किडनैप करके शादी करना, किसी को उठा के लेके गए और उससे जबरदस्ती शादी कर ले, तो जब उठा के लेके गए जबरदस्ती किडनैपिंग करके शादी की, तो उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला 8वां जो होता है उसको पैशाच विवाह कहा जाता है। तो पैशाच विवाह में क्या होता है कि कन्या को अचेता अवस्था में या मूर्छिता अवस्था में जबरदस्ती उठा के लेके जाना और उसका शील भंग करना, उसे जबरदस्ती करना, तो वो अचेत अवस्था में रहे बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी सहमति के, उससे जबरदस्ती करके उसका शील भंग करना, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, पैशाच विवाह। ठीक, तो ये 8 प्रकार के विवाह हुए। इनमें से जो हमारे समाज में मान्यता थी वो केवल इन 4 विवाहों को मान्यता दी गई थी। यानी कौन कौन से विवाह को मान्यता दी गई थी, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। इनको सही नहीं माना जाता था, इनको हमारे समाज में सही विवाह नहीं माना जाता था। ठीक, चलिए तो ये तो ऋग्वेदिक समाज की कुछ जटिलताएं आपको बता रहे थे कि ऋग्वेदिक समाज अब चाहे धर्म हो चाहे समाज हो, समाज के लेवल पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल होता चला जा रहा था। ठीक,
इसके अलावा अब जैसे ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बताया कि इनका जीवन अब रुकने लगा था, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय बन चुका था। और इसकी वजह से जब जनसंख्या का संकेंद्रण होने लगा, एक जगह जनसंख्या का विकास होने लगा, तो नगरों का प्रारंभ भारत में शुरू हुआ। यानी जो उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ है, यानी लगभग 1000 जो BC का काल है, 1000 ईसा पूर्व का काल है, ये भारत में माना जाता है द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन इसी को कहा जाता है। यानी इस समय जो नगर बसे, जैसे काशी था तो कौशल था, तो इस टाइप के कौशाम्बी थे, तो इस टाइप के जो नगर बसे वो सब कब बसे, 1000 ईसा पूर्व यानी उत्तर वैदिक काल में नगर बसना शुरू हो गए थे। प्रथम नगरीकरण हम लोग पढ़े थे हड़प्पा काल में, और जो द्वितीय नगरीकरण होता है वो उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है, और यहीं से नगरीकरण की व्यवस्था कंटिन्यू होती है, और यही नगरीकरण आगे बढ़ते बढ़ते फिर महाजनपदों का रूप लेता है, नगर से नगरों का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो और यहीं से जो कर व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो शासन प्रशासन था, वो और विकसित होने लगा, जिसको हम लोग महाजनपदों के काल में देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये ऋग्वेदिक साहित्य और ऋग्वेदिक समाज था, समाज की जटिलता हमें दिखाई देती थी। अगले वीडियो में हम लोग महाजनपद और भारत में जो राजनीतिक इतिहास था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक का जो इतिहास था उसमें अभी तक राजनीतिक इतिहास हमारा नहीं प्रारंभ हुआ, अब इसके बाद हमारे राजनीतिक इतिहास और राजा महाराजाओं का इतिहास और राजवंशों का इतिहास अब इसके बाद प्रारंभ होता है।